बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग धरा श्री भजन लाओ। रोण रियन राग धनाश्री भजन नव रोवण रिय भी राह नकाई रोई रिझाया राम जे टेक। राग धनाश्री के इस भजन में आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊ राम जी महाराज सतोपदेश दे रहे हैं कि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो रोना पड़ेगा, व्याकुल हृदय से उसे पुकार करनी पड़ेगी। हृदय से जब प्रार्थना कहते हूँ कर जोए, भगवत के तब कान में शीघ्र पहुँचत सोए। हृदय की पुकार, दिल की प्रार्थना
व्याकुलता से विनती की गई है जो वो परमात्मा के दरबार में पहुंचती है तो व्याकुल होकर के उसे पुकारो, रोकर उसे पुकारो और उस ईश्वर को रिझाओ, क्योंकि मन के भाव देखता है कि कितनी व्याकुलता है, कितना प्रेम है। नाहे जाहे खिलन जी हितड़े, यहाँ पे हंसी खेसी करना और संसार के खेल तमाशे में मगन होना, उससे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। रोवणो आहे तमाम जेजो, सारी उम्र भर रो कर के उसे पुकारना है, उसको प्रार्थना करनी है। रोवण बाझो राम न मिलंदो, जब तक मन व्याकुल नहीं उनके लिए, हृदय के अंदर तड़प नहीं, तब तक ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। यो प्रियन पैगाम जेजू, यही संत महापुरुषों का संदेश है, उनका पैगाम है, उनकी वाणी है कि हमेशा उसे याद करते रहो व्याकुलता के साथ। हुज्जत हले थी ना हो तन सा, परमात्मा से हुज्जत मत करो, अपने आप को ऊंचा मत समझो, उससे बराबरी मत करो, तुम बहुत ही उससे नीचे हो। तो उस परमात्मा को नम्रता के साथ, दीन भाव के साथ प्रार्थना करो, वहाँ पर हुज्जत नहीं, नम्रता चलती है, अभिमान नहीं चलता, गर्व नहीं चलता। जारियों करियां जाम जेजो, तो निजारी करके विनती प्रार्थना बहुत उसके आगे करते रहो। कहे टेहूँ शल बाज करे सो, वो कृपा करेंगे, क्योंकि उनका नाम कृपालु है, दयालु है, उनका नाम पतित पावन है, पतितों को पार पहुंचाने वाले वो हैं। जैन जो दयालु नाम जेजू, ऐसे दयामय प्रभु को याद करके, व्याकुलता से उनका सुमरण करके, उस ईश्वर की तरफ अपने मन को लगाने की प्रेरणा इस भजन के द्वारा गुरु महाराज जी दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेमसा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी, भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी, अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ, अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत, भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार,
वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।